टूरिज्म 30,000 के लगभग हुआ करता था 80-90 के दशक से 2000 तक, और अभी ये 3 लाख 5 लाख तक छू रहा है। ये एक रेगिस्तान है, इसको समझ के आपको इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो अभी सडनली ये पानी के टॉयलेट्स आ गए, फ्लश टॉयलेट्स। हम पीते हैं 5 लीटर हैं, फ्लश में 50 लीटर गवाते हैं। हम वही कॉपी कर रहे हैं जो श्रीनगर ने कॉपी किया दिल्ली से, दिल्ली ने कॉपी किया लंदन से, और लंदन में ही गलत हुआ था ये। जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद इस यूटी का अभी कोई संरक्षण नहीं है, तो लद्दाख को संरक्षित किया जाए जो कि संविधान के 6th शेड्यूल में संभव है। इश्यू सबसे ज्यादा तो यहाँ के ग्लेशियर्स का है, जो ग्लेशियर्स पूरे हाई हिमालयाज में और खासकर लद्दाख में बहुत बड़े मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ अगर इतने एक तरह के रेगिस्तान सा है ये, ऊंचाई का ठंडा रेगिस्तान, तो इसमें ज़िंदगी मुमकिन है तो सिर्फ इन ग्लेशियर्स के वजह से है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में 1 बिलियन पॉपुलेशन को ये ग्लेशियर्स सपोर्ट करते हैं, और उस तरफ चीन की तरफ भी 1 बिलियन, तो विश्व के 1/4 आबादी को यहाँ के ग्लेशियर सपोर्ट करते हैं। और ये पिघलते जा रहे हैं दो कारणों से। एक है जो तापमान विश्व का चढ़ रहा है, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, उसका तो हम यहाँ पर स्थानीय समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं, मगर दूसरा है यहीं पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जो हाल में पता चल रहा है। पहले हम सोचते थे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मगर अभी ज़्यादा से ज़्यादा शोध ये दिखा रहे हैं कि लोकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से भी पिघल रहे हैं ये ग्लेशियर्स। तो उसमें यहाँ के स्थानीय लोग तो बहुत कम हैं और बहुत सादा जीवन बिताते हैं। तो उसके बाद फिर आर्मी आता है, फिर टूरिज्म आता है, इनमें बहुत ऐसे प्रदूषक एक्टिविटीज़ हैं जिसके वजह से धुआं और धूल सब ग्लेशियर्स पे बैठ जाते हैं, जिससे वो काले पड़ जाते हैं और जल पिघल जाते हैं। तो हज़ारों डीजल टैक्सीज खारदोंगला से, चांगला से गुजरते हैं, तगलांगसला से आते हैं, आर्मी के ट्रांसपोर्ट ट्रक्स टैंक्स, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। दूसरा फिर ये बहुत ही नाजुक इलाका है, ये पूरा हाई हिमालयस पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही नाजुक है। तो ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसी इंडस्ट्रीज़ हों या गाड़ियाँ हों या जनसंख्या हो, तो उससे बहुत ख़तरा हो सकता है यहाँ के जलवायु को। तो यहाँ के लोग भी नहीं रह पाएंगे और कोई आने वाले हों वो भी नहीं रह पाएंगे। तो इस वजह से और ये संवेदनशील बना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद इस यूटी का अभी कोई संरक्षण नहीं है। तो अभी के हिसाब से कोई भी कुछ भी इंडस्ट्री माइनिंग खनन कुछ भी लगाए, इस पे लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, स्थानीय लोगों का। और वैसे भी लोकतंत्र के हिसाब से भी यहाँ पर लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्टेड फोरम है नहीं। तो इन तीनों कारणों से, जो मैं कह रहा था, प्रदूषण से और लोकल एक्टिविटीज से और फिर पॉपुलेशन से जो कि टूरिज्म और मिलिट्री से बड़ा है अभी तक, अब अगर ऐसे ही रहा तो लाखों में एक एक इंडस्ट्री के साथ लोग आ सकते हैं। तो इस वजह से लोगों को बहुत चिंता है कि ये सब टूट जाएगा, इसकी संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रहे हैं सरकार, इसलिए एक यहाँ पर मूवमेंट अभियान भी है कि लद्दाख को संरक्षित किया जाए जो कि संविधान के 6th शेड्यूल में संभव है। ये सही है, टूरिज्म 30,000 के लगभग हुआ करता था 80-90 के दशक से 2000 तक, और अभी ये 3 लाख 5 लाख तक छू रहा है।
और उस हिसाब का यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। तो वेस्ट के हिसाब से तो बहुत ही नाजुक हालत है। एक तरफ तो जहाँ भी जो भी कचरा फेंक देते हैं, खासकर जब से डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है उसका ज़्यादा समस्या होने लगा है, क्योंकि हमारे पूरे देश में ऐसा कम वो है इस बारे में जागरूकता। तो लोग, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म। हाँ, तो लोग इस कहाँ आए हैं वो नहीं याद रखते हैं किसी भी। वैसे तो कहीं भी नहीं होना चाहिए गैर जिम्मेदार टूरिज्म, मगर यहाँ ऐसे नाजुक पर्यावरण में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ टूरिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, मगर दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय व्यवस्था, वो बहुत कमज़ोर है। वो लद्दाख के हालत को न समझते हुए लेह को किसी भी दिल्ली देहरादून की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो कि नहीं है। पहली बात तो टूरिज्म 3 लाख या 5 लाख को होना ज़्यादा है अगर अव्यवस्थित हो, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है अगर बहुत व्यवस्थित ढंग से लाएं। तो अभी तो ले शहर में 5 महीनों में 5 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में 5 लाख लोग आ रहे हैं, तो ये तो टॉक्सिक इंटेंसिटी हो जाता है जिससे कि ले बर्बाद हो रहा है। अगर इसी को हम फैलाएं पूरे कारगिल से द्रास तक, न्यूमा, चुशुल, तुरतुक तक पूरी तरह फैल जाए, तो ये इंटेंसिटी बहुत कम होगा। और उसके बाद भी फिर ले सिटी को जैसे हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड पानी है, ये एक रेगिस्तान है, इसको समझ के आपको इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो उसी तरह फिर जो तरीके हैं शहरों के, उसी तरह से अगर यहाँ लोग आएँ कि 100 लीटर का बाथ टब भर के वो नहाएं, और उनके होटल्स में जिस हद से पानी की यूज़ या वेस्ट होती है वो सब उसी तरह करें, खाना वेस्ट होता है हर चीज़, और टॉयलेट्स यहाँ सदियों से कंपोस्ट टॉयलेट्स बिना पानी के, जो कि मल बन के उसमें खेतों में जाता है। अभी सडनली ये पानी के टॉयलेट्स आ गए, फ्लश टॉयलेट्स, हम पीते 5 लीटर हैं, फ्लश में 50 लीटर गवाते हैं, और ऐसा पानी है भी नहीं। अगर लाना भी है तो फिर आपको सिंध से, इंडस सिंधु नदी से ऊपर उठा के बिजली से लाना होगा, जिसका अपना प्रदूषण है, जिसका अपना खर्च है। बिल्कुल तबाही का मंजर है ये, मतलब जो आप यहाँ नहीं करते। आप एवरेस्ट पे जाएं अगर, तो आप नहीं उम्मीद करेंगे ना कि आप 100 लीटर का बाथ टब लेके जाएंगे, फ्लश टॉयलेट लेके जाएंगे। तो जिस तरह एवरेस्ट जाने के लिए आप अडेप्ट करते हैं वहाँ की रियलिटीज़ के साथ, उतना नहीं तो जितना ज़रूरत हो यहाँ भी अगर हम अडेप्ट करते कि ये एक शीत मरुस्थल है जिसमें ऐसे रहना होता है, यहाँ के स्थानीय लोग कैसे रहते हैं, तब वो टूरिज्म और रंगीन होता। अब वही टूरिज्म हम जो दिल्ली या मुंबई में लाइफ है उसी को ले जाएं लद्दाख या एवरेस्ट तक, तो फिर आप क्यों आएंगे? यहाँ जिस तरह से रहना ज़रूरी है उसी तरह रहें, तो आप कुछ सीख के जाएंगे, कुछ नया एहसास या तजुर्बा करके जाएंगे। ये नहीं ध्यान में रख रहे हैं, वो पूरा किसी भी सिटी की तरह लेह को बना रहे हैं जिसमें 7 मिलियन लीटर्स पर डे की पानी की ज़रूरत होगी। अब इसमें से सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो फ्लश के लिए जा रहा है। अगर आप कंपोस्ट टॉयलेट यूज़ करें जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं, कंपोस्ट टॉयलेट बोलने से मतलब 100 साल पुराना वही ज़रूरी नहीं है, सिद्धांत वो हो और उसका आधुनिकीकरण हो, तो आप अटैच्ड कंपोस्ट टॉयलेट्स रख सकते हैं जिसमें कोई पानी नहीं जाता है। साल के आखिर में आपको फर्टिलाइज़र भी नहीं खरीदना पड़ता है क्योंकि वही आपके खेतों में जाता है। तो ऐसे तरीके जो हमारे पूर्वजों से मिले हैं उनको बेहतर करने के ज़रिए हम वही कॉपी कर रहे हैं जो श्रीनगर ने कॉपी किया दिल्ली से, दिल्ली ने कॉपी किया लंदन से, और लंदन में ही गलत हुआ था ये। तो हमारे देश में बहुत बड़ी विविधता है, अलग अलग तरह के, अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं, और संसार में जो जिन्हें मैं कहूँगा संजीदा देश हैं, जो
सोच समझ रखते हैं अपने पूरे देश का, वो इस विविधता को न सिर्फ बर्दाश्त करते हैं कि बल्कि बचाते हैं। और उसमें एक भारत भी है कि वो अपने ट्राइबल डाइवर्सिटी, इंडिजिनस पीपल्स, उनको संरक्षण देती है। तो जिस तरह से अमेरिका में इंडिजिनस पीपल कहते हैं, यहाँ पर ट्राइब्स कहते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स आपने सुना होगा, शेड्यूल ट्राइब यानी कि ऐसे आदिवासी जनजाति जो भारत के मूल हैं, जो उसी स्थान से हैं जहाँ पे आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, जो या तो जंगलों में हैं मध्य भारत के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, या फिर पहाड़ों में हैं उत्तर पूर्व से लेके लद्दाख के। तो ऐसे जनजाति लोगों के एरिया को भी प्रोटेक्शन देते हैं, उन्हीं को नहीं बल्कि एरिया को, शेड्यूल्ड एरिया बोल के। और शेड्यूल्ड एरिया दो तरह के हैं, सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में जो जंगलों में, प्लेन्स में हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह बोल रहा था। उसी तरह सिक्स शेड्यूल में हिल्स में जो हैं, पहाड़ों में जो हैं, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर हैं, लद्दाख में इसका बहुत ही उपयुक्त देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है जिसके अपने दायरे हैं, जिसके अंदर वो रहते हैं, और उसे बचाने की ज़रूरत है। तो ऐसे संवेदनशील जगहों पर जहाँ पर प्रकृति संवेदनशील हो, संस्कृति संवेदनशील हो और ज़मीन संवेदनशील हो, इस प्रावधान के अंतर्गत उसे संरक्षण दिया जाता है। तो ले दे के बात ये आती है कि स्थानीय लोग, जो जनजाति लोग हैं, जो हज़ारों सालों से रहे हैं और जो भी गलती या अच्छा करें उसका नतीजा भी वो भुगतेंगे, क्योंकि दो तीन साल के ब्यूरोक्रेट्स तो आके कुछ भी फैसला करके चले जाएंगे, मगर गलतियों का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, हम जो कि बहुत नाजुक हालत में रहते हैं। जैसा मैं कह रहा था, यहाँ के लोग 5 लीटर प्रतिदिन में गुजारा करते हैं, जबकि 500 या 50 तो कम से कम ज़रूरत होती है और जगहों पे। यहाँ के लोग ठंड से मुकाबला करते हैं, फिर कुदरती के अलावा जो मानवीय हैं, चीन पाकिस्तान के बॉर्डर से वो करते हैं, तो बहुत मुश्किल में रहते हैं। तो इनके हाथ में कुछ तो डिसीजन मेकिंग हो कैसे इस जगह को बचाएं, ना कि कोई ब्यूरोक्रेट जो किसी भी असर में आके ऐसे फैसले ले सकता है जिसका नुकसान इनको पड़ेगा, वो अपना फ़ायदा लेके चले जाएंगे। तो इसलिए सिक्स शेड्यूल का मतलब है स्थानीय लोगों को एक आवाज़ देना। ऐसे काउंसिल्स बनते हैं जिसमें स्थानीय जनजातियों को कानून बनाने तक का अधिकार होता है। तो वो ना चाहें तो वो किसी भी वादी को, किसी भी पर्वत में इसे छूना नहीं है, ये बिल्कुल हमारे लिए सेक्रेड है, ये बहुत नाजुक है बोल के रोक सकते हैं। वो चाहें तो फिर इंडस्ट्री माइनिंग भी ला सकते हैं, मगर उनकी बिना क्या कहेंगे, सम्मिलित हुए, सहमति हुए नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यही है कि स्थानीय जनजातीय लोगों को एक उनकी ज़ुबान भी आए, ना कि कोई और उनके लिए फैसले लेके जाए। तो ये सिक्स शेड्यूल है और हम देखते हैं कि यही एक है जो बचा सकता है पर्यावरण को, क्योंकि जिन लोगों ने रहना है वो सही निर्णय लेंगे ऐसा माना जाता है। जो पायलट जहाज़ चला रहा है वो गिराएगा नहीं, क्योंकि उसमें वो भी बैठा है। तो यहाँ पर कोई और आके गिरा के जाए उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये तो एकदम नेचुरल है कि जो लोग रह रहे हैं उनके भागीदारी हो। तो ये है सिक्स शेड्यूल। ऐसा ट्रिगर पॉइंट यही है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे संरक्षण थे, धारा 370 में था, 35A में था, अभी वो सब नहीं है। नहीं है पता था लद्दाख के लोगों को, जब वो यूनियन टेरिटरी मांग कर रहे थे तो उन्हें पहले से पता, दशकों से पता था, मुझे खुद याद है। दो चीज़ें वो मांग कर रहे थे, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, यानी कि जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करेंगे, वो यूनियन टेरिटरी, और दूसरा
जम्मू कश्मीर में नहीं होगा संरक्षण तो कोई बात नहीं, भारत माता ने और तरीके रखे हैं हमारे लिए जो कि हमें मिलेंगे। सबका ये विश्वास था कि जम्मू कश्मीर तो हमें बहुत इल ट्रीट करता था, अब सेंटर के पास जाएंगे तो बहुत अलग होगा, क्योंकि वो हमें वो सब देगी जो सेंट्रल क्या कहेंगे गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू भी नहीं होते थे। अब तो हम भारत के साथ जुड़ेंगे तो हमें शेड्यूल 6 का वो मिलेगा ही। तो ये जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद और जोर पकड़ी, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी तब ज़्यादा होने लगी। और उसी तरह सरकार ने भी जब यूटी बना तो तमाम वादे किए, तमाम मीटिंग्स में दिल्ली में, नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट अपॉलिटिकल बॉडीज लाइक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST के मिनट्स में है कि लद्दाख हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड अंडर 6th शेड्यूल। उसी तरह इलेक्शन के मैनिफेस्टोज में है एक के बाद एक, टॉप 3 पॉइंट्स हमेशा 6th शेड्यूल BJP जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने रखा। तो वो सब रखने के बाद फिर जब करने की बात आई तो वो पीछे हटने लगे। तो अभी 4 साल होने को आ रहे हैं, इस पर कोई वो नहीं हुआ, और बल्कि उसके विपरीत वो नहीं हो पाएगा कह रहे हैं, जिसको उन्होंने लिखित में वादे करके जनता से मतलब इलेक्शंस जीते। तो इस पर अभी ये संघर्ष और बड़ा हो रहा है।